हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये हो गया मेरी दिन की शुरुआत, जहां मैं सोती रहती उठ के फिर फ़ोन चलाया, क्योंकि सबका यही काम है आधे घंटे फ़ोन चलाना। उठने के बाद तुरंत बिस्तर से कोई भी नहीं उठता है, तो यही मेरी भी गंदी आदत है कि लेटे लेटे फ़ोन चलाओ। फ़ोन चलाते चलाते जब तक थक नहीं जाएगी, जब तक मेरी आंखें दर्द नहीं हो जाएगी, तब तक मैं फ़ोन को नहीं छोड़ती हूँ। मुझे पता है आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, और सबकी आदत आजकल फ़ोन से ज़्यादा ही बिगड़ गई है, तो मेरी भी थोड़ी बहुत बिगड़ ही गई है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। आंखें दुखाने के बाद, अपने हाथ थकाने के बाद मैंने लगा लिया मुंह पे हाथ, क्योंकि मैं बोर हो रही थी और सोच रही थी क्या करना है। भूख लग रही थी लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं आलसी हूँ भाई। फाइनली मैं उठ गई हूँ, और उठने के बाद सोचा चलो यार कुछ तो करें। तो उठते पहले ब्रश किया। ब्रश करते करते एक तो यार किस किस को बताओ मुझे, किस किस के मुँह से ब्रश के झाग निकलते हैं? मेरे मुँह से तो निकलते हैं, इसलिए मैं पूरी वीडियो तुम लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। उसके बाद मैंने फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद भी मतलब कौन रगड़ रगड़ के ऐसे, मैं सुंदर होना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं रगड़ रगड़ के फेस वॉश कर रही थी। आप लोग ऐसे करते हो क्या? मैं तो काली हूँ इसलिए मैं ज़्यादा रगड़ती हूँ। और उसके बाद जो मैंने ये दो मिंडियाँ बांध रखी थी, यू नो, छोटे छोटे बालों की, चार बालों की छोटी बांध रखी थी, तो फिर मैंने सोचा उसको खोल के, क्योंकि ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा था, ऑयल लगा रखा था तो गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा सारा खोल वोल के आराम से एक जूड़ा उड़ा बना के कुछ करना, काम वाम करने में फिर बीच में नहीं आएगा। और ज़्यादा ऑयल लग रहा था, किच किच लग रहा था मुझे, तो पूरी रात तो मैंने छोटे बना के रखी, क्योंकि इससे बड़े बाल होते हैं, ये हमारी गलतफहमी है या फिर जो भी है। मेरे तो नहीं हुए आज तक, और जितने हुए थे उसको भी मैंने कटवा के अपने आप को परकटी कर दिया है, तो इतनी सी चोटी बनती है जिसको मोड़ने में भी मुझे दिक्कत होती है, फोल्ड करने में। तो मैंने सोचा चलो इसको यार गोल गोल जूड़ा जाड़ा बना के इसको आराम से एक रबड़ बैंड लगा के सेट कर देते हैं, क्योंकि वैसे ही चार बाल है सर पे और झड़ते इतने हैं कि कुछ पूछो मत, रोज़ इतने बाल निकलते हैं। मैंने सोचा चलो यार जूड़ा उड़ा बना के कुछ ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पेट में कूद रहे थे चूहे और मैं नहीं रह सकती। मुझे भूख लग रही थी, मुझे सुबह सुबह कुछ ना कुछ चाहिए, उठते ही मुझे नाश्ता पानी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो जूड़ा उड़ा बना के चलते हैं किचन में। और किचन में मैंने आराम से गोभी निकाली। गोभी निकालने के बाद हम घर में भी बात कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो यार घिस घिस के गोभी के पराठे, बड़े दिन हो गए नहीं खाए मैंने गोभी के पराठे, तो मैंने सोचा चलो गोभी के पराठे ही बना लिए जाए। तो मैंने बनाए गोभी के पराठे, और ये है हमारी आंटी जिसको मैंने बहुत बड़ा काम दे दिया था, जो बेचारी से नहीं हो रहा था, अदरक कूटने का, क्योंकि मैं बार बार फिर अदरक पे हाथ लगाती, अदरक को धोना था, तो मेरे पहले ही आटे में हाथ थे तो बार बार हाथ धोने के पड़ते मुझे, इसलिए मैंने उसको इतना बड़ा काम दे दिया, उससे अदरक भी नहीं कूट रही थी, तो आखिर में मुझे ही उस पर हाथ लगाना पड़ा। फाइनली मैंने उसको हाथ लगा, मैंने भी किया तो वो गिर ही गया, उससे हो ही नहीं रहा था। मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी कर देगी, तो मैंने उसको कूटने की कोशिश की, उसके हाथ से ले ली। यार इतने स्लो स्लो कर रही थी वो बेचारी, उसने कभी खाना नहीं बनाया, हम ही उसे बना के देते रहते हैं, तो मेरे हाथ से भी वो, मैंने भी जल्दबाजी में कूटी तो नीचे गिर गई अदरक, उसको आखिर में मुझे गीले हाथ करने ही पड़े, पानी में धोना ही पड़ा, और मुझे वो कूट के डालनी पड़ी अदरक। इसको उठाने का काम है, ये उठा लेती है, उठाने के अलावा कुछ नहीं करती है इसको, बस घर में इसने कभी खाना नहीं बनाया, मैं कभी कभी इस पर ये जुर्म था देती हूँ कि उसको बोल देती हूँ कोई काम, तो मुश्किल ही हो जाता है। ये मेरा पराठा बन के एक रेडी हो गया है, तो थोड़ी देर में ही मेरे पराठे बन गए, चाय बन गई, और फाइनली हम लोग फिर बैठ के थोड़ा बहुत चाय पकने में टाइम रह गया था, तो हम लोग उधर खड़े होके, मैं भी स्लो स्लो बना रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब ऑयल तवे पे गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा धुआं उठता है उसमें से, जल्दी जल जाता है, तो इसलिए मैं आराम आराम से उसको सेक लगा रही थी, क्योंकि मेरी चाय उबल रही थी अभी, तो इसलिए मैंने सोचा यार धीरे धीरे ही बना लिया जाए, क्योंकि चाय फिर नहीं मिलती है तो मैं खाली पराठा खा जाती हूँ, और फिर मुझे चाय के साथ भी और चाहिए होता है, तो इसका काम है चीनी चाय पत्ती डालना क्योंकि अदरक तो इससे कुटी नहीं, चाय ही बना सकती है ये, उसमें भी आधा काम मुझे करना पड़ रहा है। इसको चाय पत्ती चीनी डालने के लिए बोला, चाय बनने वाली थी कि मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाने लग गई, क्योंकि बाद में अगर पराठे पहले बन गए तो मैं सारा पराठा चट कर जाऊंगी, फिर मुझे चाय के साथ कुछ भी नहीं मिलने वाला, और मेरे को चाय पीनी पीनी थी, क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो गया था कि कुछ पूछो मत, एक तो पेट में इतने चूहे कूदते मुझे सब्र होता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो यार कुछ तो बनाया जाए ना उसके साथ, अब बना भी रहे उसके बाद हम लोग खा लेंगे पहली तो नहीं होगा, उसमें मैं भर भर के अच्छे से गोभी भर भर के उसमें आराम से पराठे ऐसे तेल में फ्राई करके, मतलब तेल ही तेल ऐसा दिख रहा था मेरे को, तो मैं तो कम तेल खाती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है,
पराठे बन के रेडी हो गए थे, फिर मैंने चटाक से उसको लगा के आराम से टेस्ट करके खाया, और खाने के बाद जो मेरे मन को और मेरे पेट को सुकून मिला, हाय हाय हाय, मज़ा ही आ गया खाने के बाद यार। क्योंकि मुझे सुबह उठते ही पहले खाना चाहिए, क्योंकि मुझे खाली पेट उठने को नहीं होता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं, तो इसलिए मुझे पहले पेट पूजा फिर सारा काम, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो ऐसे ही सबका चलता है। तो मैं तो हैवी नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं होता है कंट्रोल, मुझे चाहिए एक बार खाने को मुंह लग गया फिर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और उसके बाद अभी बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको बारिश का भी नज़ारा दिखा देती हूँ, तो बारिश हो रही थी, मैंने आप लोगों को बारिश का नज़ारा दिखाया और ख़ुद भी देखा, और आखिर में मेरा ये नेल्स भी टूट गया। एक तो वैसे नेल्स नहीं बढ़ते, ऊपर से ये नेल्स भी टूट गया। फिर से मैं बाहर आ गई क्योंकि मेरा मन ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा चलो यार ठंडी ठंडी हवा चलती है, बारिश बंद होगी, तो मैंने लिया थोड़ा म्यूज़िक का मज़ा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था यार, कान पे म्यूज़िक लगा के, मतलब हेडफोन लगा के, और बाहर जो सन 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 करके हवा चल रही थी यार, मज़ा ही आ गया। मैंने इतना लुफ्त उठाया वो ठंडी ठंडी हवा का, और वेदर इतना प्यारा हो रहा था, इतना अच्छा हो रहा था। तो मैं उधर खड़ी होकर सिर्फ मटक रही थी। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट मत करना क्योंकि मैं इस सूट में बहुत मोटी लग रही हूँ। फिर फाइनली मेरा नहाने का टाइम हो गया, मैंने सोचा चलो यार नहा भी लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो गंदे गलीचों की तरह उतार लिया, निकाल लिया मैंने। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, मैं कहीं जाने वाली थी और इसका ब्लॉग